अनैतिक संबंध छुपाने के उद्देश्य से एक बहन ने अपने प्रियकर के साथ मिलकर 12 वर्षीय मासूम भाई की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। रिश्तों को तार तार करने वाली ये घटना नागपुर शहर के वाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले दुग्धामना परिसर की है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की बहन और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है। भाई बहन के रिश्ते से ज्यादा मजबूत कुछ नहीं है। वो एक दूसरे के सच्चे मित्र और मार्गदर्शक होते हैं। उनका रिश्ता शायद माँ बाप के रिश्ते के बाद दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। लेकिन सोचिए, अगर बड़ी बहन ही अपने छोटे भाई की भक्षक बन जाए तो हम शायद इस बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये वाकया हकीकत में हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार वाड़ी के दुग्धामना में 12 साल के बालक की उसकी बहन के प्रेमी ने गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वारदात को मारपीट तथा खुदकुशी बताने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस ने सख्ती बरतकर सच्चाई सामने ला दी। आरोपी 19 साल के स्नेहल सोनपिपले को हिरासत में लिया गया। मृतक 12 वर्षीय सूरज नाशिक रामटेके है। सूरज के माता पिता मजदूरी करते हैं। उसके परिवार में माता पिता के अलावा बहन है। बताया जाता है कि सूरज की बहन के स्नेहल सोनपिपले से प्रेम संबंध थी। सूरज के माता पिता मजदूरी करते हैं। उनके काम पर जाने के बाद सूरज और उसकी बहन घर पर थी। सूरज के दोपहर करीब 2 बजे के दरमियान खेलने जाने के बाद स्नेहल घर में आया। वह सूरज की बहन से आपत्तिजनक बर्ताव करने लगा। इसी दौरान करीब 3:15 बजे सूरज घर लौट आया। उसने स्नेहल को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। यह देखकर स्नेहल को अपना भांडाफोड़ होने की आशंका हुई। उसने सूरज की बहन के दुपट्टे से गला घोटकर सूरज की हत्या कर दी। इसके बाद सूरज की बहन को धमकाती हुई सूरज द्वारा खुदकुशी करने अथवा बाहर से जख्मी अवस्था में आने को बताने को कहा, जिसके अनुसार सूरज की बहन ने परिचित और माता पिता को सूचना दी। घटनास्थल पर वाड़ी पुलिस भी पहुंची। सूरज की बहन ने बताया कि सूरज दौड़ते हुए घर आया था। वह मुझे बचाओ बचाओ बोल रहा था। उसके गले पर चोट लगी हुई थी। सूरज जहाँ खेलने गया था वहाँ पूछताछ की गई। उसकी किसी से भी मारपीट होने का पता नहीं चला। पुलिस को सूरज की बहन की बातों और गले की चोट देखकर संदेह हुआ। उसने सूरज के मोबाइल की जांच की। इसमें उसकी स्नेहल से मित्रता होने का पता चला। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ललिता तोड़ासे ने अधिक जानकारी साझा की। कल पुलिस स्टेशन वाड़ीला फोन द्वारे माहिती मिळाली। दुर्गधामना येथे 12 वर्षाचा मुलगा घरी मरण पावलेला आहे, संशयितरित्या आहे अशा माहितीवरून आम्ही घटनास्थळी गेलो। दुर्गधामना येथे घटनास्थळाची पाहणी केली। त्यामध्ये विचारपूस केलं। मृतकाची जी बहीण आहे हिनं सांगितलं की ती आणि तिचा भाऊ घरी होते। 2 वाजताच्या दरम्यान तिचा भाऊ दुकानामध्ये सेलो टेप आणतो म्हणून गेला आणि नंतर 2:45 वाजताच्या दरम्यान धावत आला घरी आणि तो बेडवर झोपला। ताई मला वाचव असं म्हणून तो चित्तावस्थेत त्या ठिकाणी होता। तिच्या सांगण्यावरून आणि त्या घटनास्थळ आम्ही निरीक्षण केलं, त्याच्यावरून असं संशय निर्माण झाला हा काहीतरी घातपाताचा प्रकार आहे। त्याच्यावरून पोलीस स्टेशनची DB पार्टी आणि मी वरिष्ठांना माहिती देऊन DB पार्टी रवाना केली। शोधकामी म्हणजे काय प्रकार आहे यासाठी आणि आमच्या चौकशी दरम्यान असं निष्पन्न झालं। पुलिस ने स्नेहल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई। उसने सूरज की बहन के दुपट्टे से गला घोटकर हत्या करने की बात कबूल की। दुपारी तो मुलगा 2 ते 3 दरमियान मी काम तो आलेला आहे, पेट घेऊन गेलेला आहे। तुमच्या दुकानात आला हो? नाही, बोललाय काही नाही। मी पण त्याचा चेहरा नाही बघितला, पण टेप दिला मी। कशाचा टेप होता तो? सेलो टेप होता, 5 रुपयाचा। तुम्ही पैसे काउंटरवरून घेतले, त्याला टेप दिला, चालला गेला। मग चालला गेला। इस घटना ने रिश्तों की मासूमियत को खत्म कर उन्हें आपराधिक मोड़ पर लाखड़ा कर दिया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज और सौरभ पाटिल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।